नमस्कार। आप किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ विशिष्ट तथ्य जानते हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानता, तो उन तथ्यों की कोई उपयोगिता नहीं है। तो मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी जो उत्तर अभी तक जो लोगों ने पढ़ा है और उत्तर के जो कंटेंट है उसमें ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य नहीं होना चाहिए जो शिक्षक नहीं जानता हो। जैसे मान लो आपसे पूछा गया एओ ह्यूम, है ना। अब आए आप लिख तो एओ ह्यूम साल्ट लेक के अंदर कमिश्नर रह चुके हैं, 50 शब्द में सवाल पूछा गया एओ ह्यूम। अब आप सही हो सकते हो लेकिन परीक्षक के पास में ये विशिष्ट तथ्य नहीं है, क्योंकि ये रेयर तथ्य है जो आपने पढ़ा है और परीक्षक ये मानते हुए कि इसने गलत लिखा है क्योंकि वो नहीं जानता, तो आप कॉपी चेक करते समय उसको जस्टिफाई कर नहीं सकते। तो मुख्य परीक्षा के अंदर एक किस्सा सुनाता हूँ। मुझे एक सर मिले, उन्होंने कहा हम राज्य प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय सारे के सारे लोग बैठे थे पास में, तो कि मैं देख रहा था, तो हमारे पास में एक सर बैठे थे, उन्होंने एक सवाल को 0 नंबर दे दिया। सवाल ये था त्वचा, स्किन, ठीक है। तो उस कैंडिडेट ने लिखा कि त्वचा जो है, मुझे साइंस की भाषा याद नहीं लेकिन उसका सार बता रहा हूँ, उसने लिखा कि त्वचा जो है एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है, कॉर्टेक्स भाग होता है इसका, ये यानी कहने का मतलब विशुद्ध रूप से साइंस की जो भाषा है ना उसमें लिखा हुआ था। अब साइंस की भाषा के अंदर ये चूंकि लिखा हुआ है और ये कॉपी चेक करने वाला साइंस की गहरी समझ नहीं रखता, तो उसको तो यही लगेगा ना कि तुक्का मार रहा है। तो वो सर बोले कि मैंने उनसे पूछा कि भाई उत्तर में ऐसा क्या गलत लिखते हो, उनको क्या लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनको लिखना चाहिए कि त्वचा बाहरी परत का काम करती है, शरीर से कीटाणु से रक्षा करती है, ये पसीने का स्त्रवण जो वो करती है, तो इस तरीके से मतलब उत्तर होना चाहिए। तो आप मेरे जो कहने का मतलब है वो समझ गए होंगे। आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, है ना, जैसे भारत में सांप्रदायिकता का उदय है, तो आप वैसे ही लिखो जो किताबों के अंदर है। मन से मौलिक चिंतक लेखक नहीं बनना है, वो मौलिक लेखक और निष्पक्ष इस तरीके से कब लिखा जाता है, जब अखबारों में संपादकीय लिखे जाते हैं ना, उनमें मौलिकता पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है। आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में जो तथ्य है और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके आलोक के अंदर आप लिखो। दोस्तों जैसे कांग्रेस की उपलब्धियाँ हैं, है ना, सपोज करो एक छोटा सा टॉपिक है मुख्य परीक्षा में आपसे पूछेंगे, तो जो अखबार में जो संपादक है लिखेगा या अखबार में जो लेखक लिखेगा तो उसकी भाषा के तो बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री आदमी है, है ना, और उसको शिक्षक से नंबर भी नहीं लेना है, तो वो तो मौलिक लिखते हुए एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है, बाकी पॉइंट को छोड़ भी सकता है, कैसे भी लिख सकता है ना। लेकिन चूंकि आप मुख्य परीक्षा में लिख रहे हो तो आपके पास में तो जो टॉपिक है कि साहब कांग्रेस का क्या योगदान है ना, तो आप कांग्रेस की स्थापना बताओगे, फिर कांग्रेस ने किस तरीके, कांग्रेस की वजह से कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए, कांग्रेस की वजह से मतलब कहाँ कहाँ किस दिशा के अंदर सामाजिक सुधार हुए, राजनीतिक रूप से हमने क्या पाया। तो कांग्रेस की जो उपलब्धियां, गर्म दल की उपलब्धियां, नरम दल की उपलब्धियां, आप तो लेमैन की भाषा के अंदर चीजें सारी लिखते हुए आपको उत्तर देना है। अब आप कांग्रेस का मान लो इतिहास आपने किताब पढ़ रखी है, आप कांग्रेस के विशिष्ट तथ्य लिखते हो, तो परीक्षक के लिए कोई मतलब नहीं है। आपको तो जो पूछा गया है टू द पॉइंट होना चाहिए, कम से कम शब्दों के अंदर आप अपनी बात कह सके, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कवर कर सके, है ना, और डेप्थ भी होनी चाहिए, लेकिन डेप्थ उस रूप में नहीं होनी चाहिए जिस रूप से कोई लेखक लिखता है या कोई अखबार के लिए लिखता है। आपकी भाषा जो पत्रकारिता की जो भाषा है वो नहीं होनी चाहिए, आपकी भाषा जो परीक्षक को जचे वही जो भाषा है वो आपको लिखनी चाहिए। जैसे सपोज करो नैनो बायोटेक्नोलॉजी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और आप MSc बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो आप कहोगे साहब मुझे तो बहुत विशिष्ट आता है, आपके काम के नहीं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब तो है जो एक लेमैन की भाषा के अंदर अंदर 15 शब्द में समझाओ कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी ये है। फिर आपको अगर उपयोग पूछे कि सवाल ये हो कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है, तो आप मेडिसिन के अंदर बताओ साहब ये आया है, ठीक है। तो आप ट्रांसजेनिक पौधे हैं, आप भले ही कुछ ही जानते हैं उसको तो कोई मतलब नहीं, परीक्षक के लिए तो इतना ही है कि जीन की संरचना के अंदर परिवर्तन करके ये किया जाता है, इसका इफेक्ट ये आ जाता है और इससे जो पौधे तैयार होते हैं उनमें ये विशेषता होती है, बाकी सब बकवास है, भले आप कितनी गहराई जानते हो। जैसे मान लो मैं ये कह दूं, कैसा फिलोसॉफी के अंदर एक टॉपिक पूछा गया है, आप यूं मान लीजिए मूल्य, ठीक, मूल्यों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूं, और उसको तो मतलब नहीं, उसको मतलब तो मूल्य वो है जो आप बताओ, जो परिभाषा के सार तत्व आ जाए। अब जैसे मान लो लोक प्रशासन की परिभाषा पूछे, तो मैं बहुत लोक प्रशासन की परिभाषाएं जानता हूं लेकिन टीचर को उससे मतलब नहीं, उसको तो लोक प्रशासन की परिभाषा का निचोड़ तत्वों से मतलब है जिसमें सारी की सारी बातें आ जाए।